असल में हमने अपने पूरे मुल्क में सर्द खाने इसलिए बंद कर दिए, सर्द खाने भी बंद कर दिए और गुसल खाने भी बंद कर दिए, कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, इवन जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, घर वाले इसरार करते हैं हमसे ज़बरदस्ती कि आप इनका गुसल करें, आप इनको जो है वो सारी चीज़ें करें जो हमारी रसूमात में होती हैं, और हम उनको नहीं कर सकते क्योंकि जो इनको गुसल करेगा वो ख़ुद भी जो है वो कंटामिनेट होगा और उसकी फैमिली को भी करेगा, और हमारे वर्कर्स जो है वो कंटामिनेट फिर दूसरे वर्कर्स को करेंगे, तो हम अपने वर्कर्स की हिफाजत नहीं कर सकेंगे और हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। दो दिन से हम ये लड़ाई कर रहे हैं और ये हमसे गलत बयानी करके अपनी मैयतें यहाँ पर रखवा के जा रहे हैं, यहाँ पर गुसल भी करवा के जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ने खौफ की पेश नज़र सारे सर्द खाने बंद कर दिए हैं, और लोगों से अपील है कि वो अपने घरों में ही जो है वो गुसल करवाएं, और जो सस्पेक्टेड है उसका अल्लाह के वास्ते गुसल ना करवाएं, क्योंकि जो गुसल देने वाला है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा, वो ख़ुद भी जो है वो इस वायरस की जद में आने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, तो बेहतर है कि उसका गुसल ना हो और उसको फौरी तौर पे जो है वो तदफीन की जाए, जहाँ पर भी उसका इंतकाल हो वहाँ से उसको कफन पहना के उसकी फौरी तौर पे तदफीन की जाए। नहीं, असल में अब हमें पता ही नहीं है कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है, और जो सस्पेक्टेड है उनको हम तसव्वुर करते हैं कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि सस्पेक्टेड का मरना जो है वो सबसे बड़ी अलामत है कि वो पॉजिटिव था, तो इसलिए लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती कहते थे कि गुसल करें, और हमारे लिए जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे सर्द खाने हमारे गुसल खाने सब जो है वो फैलाव का ज़रिया बन जाएंगे, और यहाँ से फिर बहुत सारी जगहों पे जो है ये वायरस फैलेगा। ये पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि पंजाब में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, कराची में भी, और पंजाब में तो अब डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनकी भी डेथ्स बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, और वहाँ पे डेली छः सात मैयतें हम तदफीन कर रहे हैं।